रामनवमी के अवसर पर प्रेम सिंह रंधा ने जयपुर संभाग के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो राम ही थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रजापालक राम जिनकी उपमा आज भी दी जाती है। राम राज्य जैसा राज आज तक नहीं आया। राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र जो पिता के वचनों का पालन रखने व माँ की आज्ञा को सर्वोपरि मान राज तिलक को छोड़ वनवास को स्वीकार किया। वहाँ वन वन विचरण कर साधना की व वनवास के अंतिम चरण में सीता हरण होने पर किसी राज्य या राजा से सहयोग नहीं मांगा। वनस्पति वानरों व आदिवासियों को इस तरह सक्षम किया कि वो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके, लड़ सके, उन्हें तैयार कर उस समय वो रावण जिससे तीनों लोग कांपते थे उसे हराया। एक धर्म युद्ध के द्वारा वह समाज के लिए ऐसा महान आदर्श प्रस्तुत किया जिससे युगों युगों से प्रेरणा ली जा रही है। वो समस्त मानव जाति की अतुल्य धाती है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हम उन्हीं राम की संतान हैं, तो हमारा आचरण हमारा व्यवहार भी उन्हीं की तरह अनुकरणीय हो। क्षत्रिय युवक संघ भी सभी क्षत्रिय समाज में सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली के द्वारा छात्र धर्म के अनुसार राम का अनुसरण कराने का प्रयास कर रहा है। हमारे अंतःकरण के राम को जीवित रखें तो हमारा हर पल ही रामनवमी है। कार्यक्रम का संचालन संभाग प्रमुख राजेंद्र सिंह बोबासर ने किया।